रूस के शाही परिवार में 3 अक्टूबर को लंबे समय बाद शादी हुई। रूस के इतिहास में ये 100 सालों से भी ज्यादा समय में पहली शाही शादी है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. आपको बता दें, रूस के पूर्व शाही परिवार के वंशज ने 3 अक्टूबर को अपनी इतावली दुल्हन के साथ शाही शादी की। ये रूस में 100 साल से भी ज्यादा समय बाद हुई पहली शाही शादी थी। ग्रैंड ड्यूक मिखाइलोविच रोमानोव ने इतालवी विक्टोरिया रोमानोवना बेटारिनी के साथ शादी की। ये शादी रूस की पूर्व शाही राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में सेंट आइजैक कैथेड्रल में हुई। रूसी ऑर्थोडॉक्स पादरी ने शादी समारोह का आयोजन किया। इसमें सैकड़ों मेहमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें दूल्हे की मां रूस की ग्रैंड डचेस मारिया व्लादिमीरोवना और एक दर्जन से ज्यादा छोटे यूरोपीय रॉयल्स ने हिस्सा लिया। मारिया व्लादिमीरोवना ने खुद को रूस के शाही सिंहासन का उत्तराधिकारी भी घोषित किया हुआ है। ये शादी सैकड़ों साल पुरानी शाही रस्मों के मुताबिक हुई है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। रोमानोव परिवार पहली बार 1613 में सत्ता में आया और मिखाइल रोमानोव रूस के पहले रोमानोव राजा बने। उसके बाद इनके पोते पीटर द ग्रेट ने गद्दी संभाली और साम्राज्य का विस्तार किया। रोमानोव परिवार ने 1917 तक शासन किया, जिसके बाद रूसी क्रांति का उदय हुआ और व्लादिमीर लेनिन ने सत्ता पर कब्जा कर दुनिया के पहले कम्युनिस्ट देश की स्थापना की। रूस के अंतिम राजा निकोलस द्वितीय, उनकी पत्नी और 5 बच्चों की जुलाई 1918 में एक क्रांतिकारी फायरिंग दस्ते द्वारा मॉस्को से 1450 किलोमीटर पूर्व में येकातेरिनबर्ग शहर में एक व्यापारी के घर के तहखाने में हत्या कर दी गई थी। 40 साल के जॉर्ज मिखाइलोविच का जन्म मैड्रिड में हुआ था और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन स्पेन और फ्रांस में बिताया है। 39 वर्षीय रोमानोवना बेटारिनी ने पिछले साल रूसी ऑर्थोडॉक्स विश्वास में कन्वर्ट किया और अपना नाम विक्टोरिया रोमानोवना रख लिया। विक्टोरिया रोमानोवना के पिता रॉबर्ट बेटारिनी ने उन्हें वेदी तक पहुंचाया। उनके पिता ने इतावली राजनयिक सर्विस में अपनी सेवाएं दी हैं। जॉर्ज मिखाइलोविच ने 1992 में पहली बार रूस का दौरा किया और 2019 में मॉस्को चले गए, जहां उन्होंने कई चैरिटी परियोजनाओं पर काम किया। 1917 की शुरुआत में निकोलस द्वितीय के पद छोड़ने से पहले रोमानोव राजवंश ने रूस पर 300 से ज्यादा सालों तक शासन किया। 1917 में देश की स्थापना के लिए बोल्शेविक क्रांति हुई और फिर 70 सालों तक कम्युनिस्ट शासन रहा। साल 2000 में रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने निकोलस द्वितीय को एक संत घोषित किया, जबकि सोवियत अधिकारियों द्वारा निकोलस द्वितीय को एक कमजोर नेता के रूप में देखा जाता था।